हाय फ्रेंड्स, दिस इज केडी शिवम। आज का हमारा वीडियो का टाइटल है पेरेंटिंग टीनेजर्स। हाँ, पेरेंट्स लोग बहुत कंफ्यूज हैं उनके टीनेजर्स का जो बिहेवियरल चेंज होता है ये टीनेज के टाइम पे, इस बात पे बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं और कुछ टिप्स सजेस्ट करने वाले हैं, और आई होप ये टिप्स आपको काम आएंगे, उपयोगी बनेंगे, और इसलिए प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सो दैट अदर पेरेंट्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर नेक्स्ट संडे वीडियो। ओके, प्लीज कीप वॉचिंग। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला सजेशन है बी ए गुड मॉडल टू फॉलो। यस फ्रेंड्स, ये जो टीनेज जो है, टीनेज का इम्पैक्ट जो है 5 से 12 साल में स्टार्ट होता है। हम ये 5 से 12 साल के बच्चे को छोटा बच्चा समझ के हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि छोटे बच्चे के सामने आप स्मोकिंग करते हो, छोटे बच्चे के सामने ड्रिंकिंग करते हो, राइट, वाइफ को मारना, झगड़ना, गाला गाली, ये सारा चीज़ आपको पता नहीं कहीं ना कहीं इमेज क्रिएट करता है उस छोटे से बच्चे में। अब ये इसका रिएक्शन वो जब टीनेज आता है ना, तब होता है। यस, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ ए चाइल्ड। प्लीज एक्ट वाइज इन फ्रंट ऑफ ए चाइल्ड, बिकॉज एवरी टीनेजर फाइंड्स ए रोल मॉडल इन यू। एज ए टीचर आई हैव आस्क्ड मैनी स्टूडेंट्स राइट दिस क्वेश्चन, हु इज योर रोल मॉडल, एंड every time I have got the reply that my papa is my role model, my mommy is my role model, so you are the first one to become a role model for your child, right? So we need to be very careful what we are doing in front of a child. Please remember, someone is always watching you, so act wisely, right? Hamara second point hai, be a parent and a good friend. Yes, during teenage they need a friend, they need a friend who cares, they need a friend who understands them, they need a friend who can just be with them. हाँ, जिस चीज में आपको पेरेंट बने रहना है वो पेरेंट बने ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल, रात को देर से आना बिल्कुल अलाउ मत करो, राइट, खाना साथ में खाना है, तो यस, दीज थिंग्स आर टू बी फॉलोड and during, right, in these things you remain as a parent, but in other activities, in sports, in entertainment, in happiness time, be a friend, just be with them, right? They will like your company and they will always remain with you, they will start sharing with you, aur yahi to chahiye hame, right? Ye jo share karna start kar dete hai na, you get a good friend. Dekhiye, aap uske friend bane, right, lekin aapko bhi ek bahut hi behtareen friend milega is tender age mein, right, aur aapke 30s aur 40s mein ye friendship bahut hi supportive rehta hai, right? So let's go to our next point, our third suggestion, listen to them. Yes, dekhiye, ये जो उनका जो बिहेवियरल चेंज है, दिट इज नॉट अ कॉन्शियसली टेकिंग प्लेस, दिस इज अ सडन हार्मोनल सिक्रेशन एंड अ चेंजेस, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल चेंजेस मेक्स देम टू बिहेव लाइक दिस। तो ये हमको समझना जरूरी है। तो इस स्टेज पे वो ज़्यादातर चाहेंगे कि उनकी बात चले, उनकी बात लोग सुने, क्योंकि उनका जो आइडिया है बहुत ही ज़बरदस्त है, और हमें यही करना है, listen to them silently। ये चीज हम बचपन से, वो जब छोटे थे तब से करते हैं, लेकिन क्या पता जब वो टीनेज के हो जाते हैं तो हम उनकी बात सुनना छोड़ देते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, राइट, एक बच्चा है, रोज सुबह स्कूल से आते ही अपना बैग फेंक के अपने मम्मी को ढूंढ के जाके अपने मम्मी को स्कूल की बातें बताता है, और हम भी क्या करते हैं, काम करते करते उनकी बातें सुनते हैं, we enjoy listening, right, this we used to do, right, but ek din ek aisa hua ki wo bachcha ghar pe aaya, usne bag rakha aur mummy ko dhoond ke gaya, aur usne bataya ki mummy aaj maine ramesh ko dhakka maar diya। to yahan main aapko do type ke mummies batata hu, ek pehli wali mummy hai, unhone pucha kyun bache, kyun bete, kyun dhakka mara aapne, to bole usne mere nashta mein haath rakha to mujhe acha nahi laga aur maine usko dhakka maar diya।
पहली वाली मम्मी का रिएक्शन देखिए, वो कहती है अच्छा किया आपने, क्यों वो अपना नाश्ता नहीं खाता है? उसको बोलो वो अपना नाश्ता खाए, आपके नाश्ता में हाथ नहीं लगाए, और आप टीचर को भी बोल दो। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट मदर। नाउ सेकेंड मदर, शी आस्क्ड सेम क्वेश्चन, क्या हुआ बेटे, क्यों धक्का मारा आपने? तो बोले उसने मेरे नाश्ता में हाथ रखा मम्मी, और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको धक्का मार दिया और वो गिर गया। तो बोला अरे रे, वो बेचारा गिर गया, ठीक है बेटे, एक काम करती हूँ, कल से मैं नाश्ता ज़्यादा देती हूँ आपको, आप और रमेश साथ में बैठ के खाओ, राइट, लेकिन धक्का मत मारना। देखो आज आपने धक्का मारा तो उसको लगा होगा, उसको बेचारे को कल जाके सॉरी बोल दो, राइट, बी ए गुड चाइल्ड, ओके। तो सेकेंड डे दैट बॉय गोज टू रमेश, से रमेश सॉरी, मेरी मम्मी ने बोलने का बोला। दिस इज हाउ यू क्रिएट ए गुड कैरेक्टर इन योर चाइल्ड, दिस इज हाउ यू क्रिएट एन इमेज, दिस इमेज इज गोइंग टू कैरी टिल द टीनेज। ट्राई टू रिमेंबर पेरेंट्स, ये जो आपने इमेज क्रिएट किया है ये टीनेज तक आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन टू द चाइल्ड। अब आगे देखिए, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप में और उसमें कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, तो क्या होता है, हम हर बात पे उसको ताना मारने लगते हैं। यही स्टोरी आगे ले जाता हूँ, वो बच्चा 9th में आता है, राइट, उसे आके उसने उसकी मम्मी को बताया, मम्मी मैंने आज एक कॉपी किया टेस्ट में, और मम्मी चिल्लाने लगी तो नाम खराब कर देगा, तब पापा सुनेंगे तो क्या होगा, मैं कल आके स्कूल में बोल दूंगी, ऐसा वैसा ताने मारने लगे। तो अब उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ कि ये चीज़ें अगर मैं मम्मी को बोलता हूँ तो मम्मी चिल्लाती है, बाकी सब चीज़ें मम्मी अप्रिशिएट करती है, तो अब ऐसी चीज़ों को वो आपसे छुपाने लगेगा। दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन गैप, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड स्टार्ट्स। अब क्या हुआ, वो गलत संगत में चला गया, उसने स्मोकिंग स्टार्ट किया लेकिन उसने आपको बताया नहीं। अब यही चीज अगर हम दूसरे तरीके से लें, सेकंड वाले मदर के तरीके से लें, तो मैं बताता हूँ आपको, राइट, बच्चा आता है आके डाइनिंग टेबल पे बैठा, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते खाते उसके फेस पे थोड़ा सा चेंज दिखा, मम्मी ने पूछा क्या हुआ बेटे, कुछ चेंज दिख रहा है, मम्मी वो आजन है, वो रमेश ने मुझे स्मोक करने का बोला तो मैंने पहली बार स्मोक किया मैम। अरे तो फ्रेंड, तो आप यहाँ देखिए सेकेंड मदर का रिएक्शन, ओके, तो इसमें क्या हुआ, आपने स्मोक किया, आपको खांसी आई होगी, राइट, ठीक है, खाना खा लो, बात करते हैं। खाना खाने के बाद मम्मी उस बच्चे को लेके गई साथ में और फिर समझाने लगी कि स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट, स्मोकिंग आज एक एंटरटेनमेंट लगेगा, उस एंटरटेनमेंट का बैड इफेक्ट क्या है, हेल्थ इफेक्ट क्या है, और बच्चा समझ जाता है क्योंकि आपने उसकी बात सुनी, अब वो आपकी बात अच्छी तरह सुनेगा। दिस इज हाउ वी नीड टू हैंडल अ टीनेजर। देन ऑनवर्ड्स रमेश हो या कोई, किसी का भी वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज हाउ यू कैन हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर टीनेज चाइल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रिशिएट हिज और हर एफर्ट्स देन रैदर देन द रिजल्ट, राइट, बहुत जरूरी है, एंड रिजल्ट कोई मायना नहीं रखता है, याद रखिए एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लीजिए, आपका बच्चे ने बरोबर बहुत मेहनत की पढ़ाई में, लेकिन फिर भी वो थर्ड रैंक आया, या फिर भी वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, आपको उसके एफर्ट्स को पहले अप्रिशिएट करना है, राइट, रिजल्ट पे मत बताइए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डांटने से कुछ नहीं होगा, पहले उसे अप्रिशिएट कीजिए, यस बेटा आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी, होता है रिजल्ट तो राइट आगे पीछे होता है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और आपका एफर्ट्स हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक काम करते हैं, ये बार जिस एफर्ट्स आपने लगाए हैं ना, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा करें, शायद आप अचीव कर दो, राइट, दिस इज द वे यू नीड टू अप्रोच योर टीनेज, और ही कैन डू वंडर्स। मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आपने जो टिप्स को फॉलो किया, यू कैन जस्ट गेट इम्पॉसिबल थिंग्स आउट ऑफ देम, मैं आपको दावा करता हूँ, एज ए टीचर आई हैव डन विथ मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो, ओके, प्लीज डू दिस। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स अ टाइम टूगेदर, यस, राइट, इन होल डे, राइट, देयर मस्ट बी सम टाइम, देयर मस्ट वंस ट्वाइस थ्राइस, बरोबर,
कोई ऐसे वक्त होने चाहिए जहां आप टीनेजर के साथ रह सको, राइट। अगर होल डे भी अगर आप बिजी हैं तो एक फिक्स कर दो कि जो मील है, जो खाना है, साथ में ही खाया जाएगा। तो ये एक डिसिप्लिन भी हो जाएगा, और दूसरा दिस बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटवीन यू एंड योर टीनेज चाइल्ड। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। यस, ये क्या होता है, ये जो उनका जो बिहेवियरल चेंज है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम विथ अस एज अ पेरेंट। वी थिंक दैट ये कल का बच्चा मुझे आज सलाह दे रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम विथ अस, राइट। सुनिए तो सही, राइट। लेट्स लिसन टू देम, मे बी देयर आइडिया मे बी जो वेरी फैंटास्टिक, राइट। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट टिप इज डू नॉट फॉरगेट दैट देयर आर टू पर्संस इन योर टीनेज चाइल्ड। One, a small child, another, outgrown up child. This is the problem, right? We need to accept both. आपका बच्चा कभी बहुत ही बचपना दिखाएगा और कभी बहुत बड़े जैसी बात करेगा। ये दोनों अभी उसके बीच में, उसके अंदर हैं, और हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करना है, और हमें उसके मुताबिक या उसके जो बिहेवियर है उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। वो जब बच्चा रहता है ट्राई टू बिकम अ गुड पेरेंट, वो जब बड़ा बन जाता है तो ट्राई टू बिकम अ गुड फ्रेंड। दैट्स व्हाट दे वांट, दिस इज अ थिंग। सो जस्ट कीप मूविंग एंड यू विल गेट योर बेस्ट टीनेजर चाइल्ड। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट सजेशन इज मेक यूज ऑफ द टीनेज, राइट। मेक यूज ऑफ दिस स्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर एनर्जी इज एट पीक, राइट। फिजिकल, इमोशनल, एवरी चेंजेस, उसके वजह से क्या है, दे बिकम वेरी एग्रेसिव। ये जो एग्रेसिव मोड जो है उसे हमें सही रीत से यूज करना है, हमको उसका मैक्सिमम यूज करना है, राइट। उसका पैशन को जानिए, उस पैशन में उसे ले जाइए, एंड ही कैन प्रूव ऑल द बेस्ट, ही कैन प्रूव एवरीथिंग टू यू, राइट। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे मुकेश अंबानी जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर हैं, उनका कहना है एक इंटरव्यू में कि उनके पूरे बिजी शेड्यूल में वो 2 आवर्स अपने सन और उनके फ्रेंड्स को देते हैं। इस 2 आवर्स में वो उनकी बातें सुनते हैं। उनका कहना है कि आज के जो बच्चे हैं इतने इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, सिर्फ उनकी बातें सुनते रहना है, और उन बात अगर आइडियाज अच्छे लगे तो उनको फ्रीडम दीजिए, उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका दीजिए, एंड दे डू वंडर्स, राइट। दिस जियो सिम इज देयर आइडिया, राइट। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट अ टीनेजर कैन डू, राइट। दिस इज हाउ वी मस्ट अप्रिशिएट, मोटिवेट एंड इंस्पायर अवर टीनेजर्स। अवर लास्ट सजेशन, ट्राई टू नो his or her friends, very important। अपने बच्चे का फ्रेंड सर्कल जानने की कोशिश कीजिए। Try to just know their friends, right? ये फ्रेंड्स से क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसा फ्रेंड्स का स्टैंडर्ड होगा आपके बच्चे का भी स्टैंडर्ड वैसा ही होगा। तो बहुत जरूरी है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपको फ्रेंड सर्कल सही नहीं लगता है तो आप अपने बच्चे का स्टैंडर्ड को हाई कर दीजिए। तो वंस यू increase the standard of your son, he will automatically move away from that circle. This is how we can take your child on the right path. We can make your child to the right path. Okay, please try to know his friend circle and have a watch on it continuously. So friends, How was the video? कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टिप्स एंड सजेशन आपको काम आएगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए सो दैट जो बाकी पेरेंट्स हैं उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बाय प्रेसिंग दिस बेल आइकन यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ subscribe, right? And bye for the day, have a nice day, and very very happy life with your teenager child. Bye.